हाय दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में जय किसान में आपका स्वागत है दोस्तों। तो हम आए हैं दोस्तों यहाँ पे जंगल में, बकरिया गैया चराने। क्या करें, अभी तो बहुत ऐसा फुहारा जैसा पानी गिर रहा था, बहुत ही अच्छा ही था पानी, बहुत ही बढ़िया। और क्या करें दोस्तों, बहुत भीग चुके हो हम। और ये देखिए, हाथ पूरा सफ़ेद हुआ है क्योंकि बहुत ठंडी हवा चल रही है। हम सब भीग चुके हैं, बहुत ठंडी हवा चल रही है दोस्तों। और ये हाथ है ना, ये हाथ में दब पकड़ रहा हूँ हाथ में, तो ऐसा लग रहा है कि ये हाथ ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। नहीं भाई, ये हाथ पकड़ रहा है पर मुझे ऐसा लग रहा है हाथ में। और मुझे एक हमारा दोस्त मिला था, उसके पास क्या बोले दोस्तों, छाता। ये देखिए दोस्तों, छाता, नीला छाता। तो हमको ये हमारा दोस्त मिल गया, अच्छा हुआ टाइम पे मिल गया। तो वरना तो भाई ठंडी में क्या होता, मेरा तबीयत ही बिगड़ने वाला था ठंडी में। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे ये गैया और वहाँ पे हमारी बकरियाँ, अभी तो बकरियाँ दिख नहीं रही है क्योंकि वहाँ पे झाड़ियों में ढक चुकी है बकरियाँ। तो ये हमारे दोस्त जिसने तो स्वेटर पहना हुआ है, इसको तो ठंडी भी नहीं और पानी भी नहीं लगता क्योंकि इसने एक नहीं दो नहीं तीन स्वेटर पहन रखा है दोस्तों। ये देखिए, मैं क्यों बेइज्जती कर रहा हूं, अंदर स्वेटर भी है और कपड़ा भी, टी शर्ट भी है और फिर यहाँ पे अपना कोट बोलता है वो भी है, प्लास्टिक का कोट, प्लास्टिक का। और मैं भी हूँ साथ में। तो नहीं दोस्तों, यहाँ पर हम आए थे, अभी तो फिलहाल पानी पड़ने का थम चुका है, मौसम अभी तो थम चुका है। और सुबह यहाँ पे देखे दोस्तों, यहाँ पे सब काला काला ढग हो चुका है और यहाँ पे सब कोहरा ही कोहरा, थोड़ा कोमजन, एकदम हल्का सा कोहरा ही है। और यहाँ पे तो हमारी गैया और यार बकरिया कुत्ता बित्ता काट के खा जाएगा। ये देखिए कुत्ता, ये तुम्हारा ही है ना, हमारे भाई, एक कुत्ता भी तक काट खाएगा। ये कुत्ता किसी की बकरी को नहीं चबाता, जो कि वो क्या कहते हैं, भेड़िया की, क्या कहते हैं, अबे यार तो बोलो ना, मेंढिया रहते हैं हमारे इधर, मेंढिया कहते हैं, वो मेंढियों को ही चबाता है वो, क्योंकि वो चीज अलग ही रहती है, साथ में एक इकट्ठा होकर चलती है। बकरियां का कैसे अलग अलग चलती है, अच्छा, तो वो साथ में चलती है इसीलिए उसको काट सकता है, ऐसी बात है। और दो चार मेंढियों को तो ऐसे ही मार दिया, मार दिया, बाप रे, फिर बकरियों को भी तो मार देगा, काट लेगा। बकरियों का कैसा है कि बकरियों को अगर काट भी खाएगा तो उसकी चमड़ी थोड़ी बारीक होती है, बारीक, हाँ। तो मेंढियों को अगर काट खाएगा तो उसके बाल ही उखड़ सकता है। ऐसा है, हाँ। तो मैं बकरियों को इसलिए काट नहीं खाता क्योंकि वो लगे दांत लग जाते, इसलिए वो खाता नहीं। और मेंढियों को कैसे है कि एक बार इसने गला पकड़ लिया तो छोड़ेगा नहीं वो, ऐसी बात है, ऐसी बात है। तो देखिए दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो में और दिखाता हूँ तो हमको जंगल हमारा गांव का, ये सब पहाड़ी पहाड़ है और वहाँ पे झोपड़ है। और ये देखिए हमारी बकरियां, अभी तो अभी तो झाड़ी में से बाहर निकली है बकरियां, अभी तो इस इधर जाएगी। तो हमारे वीडियो में बने रहिए भाई, आगे भी दिखाता हूँ ऐसे ही वीडियो। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर आए थे, गया बकरे को उस तरफ छोड़ दिए और हम इधर आए थे। यहाँ पे देखिए कुआई है और ये कुआ और ये मशीन पड़ा हुआ है दोस्तों, ये देखिए मशीन ऐसे ही छोड़ दिया है मशीन को, लापरवाही का नतीजा देख सकते हैं आप लोग, लापरवाही का नतीजा। और इस कुएं में अभी पानी फिलहाल नहीं है, अभी तो पानी का ही दिन है और इतना सा ही पानी है तो छोड़ दिया है। और ये कितने साल हो गए इसे, साल तकरीबन आठ साढ़े आठ वर्ष तो हो गए, साल हो गए। तो यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हरा पानी है देख सकते हैं आप लोग, वो वहाँ पे हरा पानी दिख रहा है, पानी है ना भाई, बहुत ही साल हो गए भाई, कुआ में पानी नहीं, बहुत साल का पानी है, कुआ है ना। अभी वो लोग फिलहाल करते थे यहाँ पे, जो कि खेती बाड़ी करते थे यहाँ पे किसान की तरह,
और अभी वो लोग जो मशीन का काम आते हैं या फिर मोटर का काम आते हैं वो सभी लोग करते रहते हैं अभी इस वक्त। हाँ, अभी वो जो ये खेत वाला जो है जो कि पहले काम करता था अभी नहीं कर रहा, जो कि पहले खेती बाड़ी करता था अब फिलहाल ये जो मशीन दिख रहा है आपको ये इसी का मशीन है जो कि वो सुधार नहीं रहा है, इस टाइम बिगड़ चुका है। तो इस टाइम वो दूसरों का काम कर रहा है क्योंकि दूसरे के मुझे ग्रेक आता रहता है उसके साथ, तो उस ग्रेकों के साथ में वो क्या कहता है मोटर वगैरह 5 की मोटर और जलपरी मोटर वो सभी का काम करता रहता है जो कि सर्विस करता रहता है। सर्विस बराबर सर्विस करता रहता है। वो जो फिलहाल जो जल जाती है मोटर अंदर पानी के अंदर जलपरी या बाहर की मोटर हो उसको नवीन से रिपेयरिंग करके न्यू एकदम न्यू बना देता है। वो तो है किसान अभी जो खेती करता था वो यहाँ से सारा पाइप उसने हवा दिया जो कि सब पाइप इकट्ठा कर लिया है और ये 2-4 रह गए यहाँ, तो ये फिलहाल अभी यहाँ पे पड़ा हुआ है। रख दो भाई, हमको इसका कोई काम भी नहीं और इसका कोई मतलब भी नहीं करना, रहने दो भाई क्योंकि हमारे चोरी लगा देगा, नहीं रहने दो, हम आए हैं हमारे काम के लिए। हाँ ये भी बात सही है, हम बकरियां बैल चराने आए हैं तो हम हमारा ही काम करते हैं भाई। तो देखिए दोस्तों आगे बने रहिए और भी दिखाएंगे बहुत अच्छा अच्छा वीडियो। और ये देखिए यहाँ पे बैल गया आगे है और बकरियां तो दिख भी नहीं रही, बकरियां किधर गई है भाई, यहाँ जाना पड़ेगा बकरियों को ढूंढने। हाँ ये देखिए पेड़, और यहाँ पे जो कि यहाँ पे एक जीसीपी की वजह से ये सब हटा दिया गया है ताकि यहाँ से पानी सीधा चला जाए यहाँ पे खेत में ना आए वापस। हाँ सिस्टम बढ़िया है, उन्होंने तकरीबन 80 लाख रुपए के ऊपर यहाँ पे गमा दिए जो कि कुआ बिवा सब खोद रखा है, पाइपलाइन पत्थर 2 लाख के निस्ते पत्थर डाले हुए जो कि मोटर अलग से आती है, तो यहाँ पे उन्होंने एक झोपड़ी बना रखी है। वो फिलहाल अभी गांव में गए हैं और अभी इस वक्त उन्होंने ये सब बना रखा है ताकि खेत में पानी वापस से ना जा सके, ऐसा बात। और यहाँ पे एक ये रास्ता बनाया गया है ताकि वहाँ से गांव में से गाड़ी घुड़ी आए। हाँ ये रास्ता दोस्तों बनाया है सबके लिए, बना रखा है सबके लिए, तो बने रहिए दोस्तों हमारे वीडियो के एंड तक, एंड तक बने रहिए भाई। और अभी चलते हैं बकरियों के पास, बकरियां गांव में गई किधर गए? यहाँ से आए दोस्तों हम नीचे से आए और यहाँ पे ये थोड़ा सा ऊंचा भाग है और यहाँ पे हमारी बकरियाँ मिल चुकी है। ये देखिए हमारी बकरियाँ अभी तो फाइनल, क्या बताए दोस्तों अभी तो अच्छा ही लग रहा है क्योंकि हमारी बकरियाँ मिल गई है। ऐसा लग रहा था कि हमारी बकरियाँ दूसरों के खेतों में जाके घुस गई, ऐसा लग रहा था, पर क्या करें भाई मिल गई अच्छा हुआ, इधर पहाड़ी इलाके में ही मिली है हमारी बकरियाँ। तो अब इसको बकरियों को हम नीचे ले जाते हैं दोस्तों चराने के लिए क्योंकि कुछ भी खाया पिया नहीं है, सुबह से और शाम होने को आई है खाया पिया भी नहीं है। वहाँ देखिए दोस्तों वहाँ खड्डा बहुत ही बड़ा है और चारों ओर चट्टानें हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो मैंने छाता अभी चलाया था जो कि छाता का ही गाना गा रहा था, मैं छाता का गाना गा रहा था ये। और वहाँ पे देखिए दोस्तों हमारी गाय बकरियाँ जा रही है और यहाँ पे देखिए बहुत ही बड़ा पहाड़ है और ये भी, हाँ और वहाँ पे वो मेरा दोस्त बैठा हुआ है, देखिए सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा है भाई। तो देखो यहाँ कुछ भी नहीं भाई, नदी भी नहीं, अभी पानी गिरा था तो यहाँ पे कुछ खड्डे पानी से भर चुके हैं। हाँ बारिश का ये देखो ये गीला ही गीला है यहाँ पे। तो फिलहाल अभी चलते हैं आगे जो कि गाइया बहुत बड़ी चट्टान चल रहे हैं, वो देखिए आगे जाते हैं भाई और बहुत ही बड़ा चट्टान चढ़ाई कर रही है गाइया, तो जाते हैं। तो ये देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे अभी ही पानी गिरा है और ये पानी गिर के यहाँ पे ये डाब झिरा सा हो गया है यहाँ पे, ये देखिए पानी। तो गाइस यहाँ तक मेरी कैंडल ले ली हो जाए, तो
देखो देखा दोस्तों, इतना खड्डा है यहाँ पे, ये देखिए थाम दिखाओ भाई पैर, यहाँ तक भर चुका है। हाँ यहाँ तक भर चुका है। और देखिए ये सब हीरा हीरा है, ये सब घास देखो भाई कितना हीरा हीरा है, हरा हरा। अरे चट्टान देखो भाई कितनी मोटी चट्टान है, ये मैंने भी नहीं देखा था, मैं तो आगे आ रहा हूँ। ये देखो ये गया, देखो भाई चढ़ रही है, नहीं चढ़ेगी, लग गया भाई, गाय नहीं चढ़ेगी। अब कैसे जाएगी, कैसे चढ़ेगी, ये बूढ़ी बूढ़ी हो गई है गाय, गाय क्या फिर इधर ही अटक गई। यहाँ पे नीचे गिर चुकी है भाई, ये देखो से बहुत बढ़िया स्लिप हुई है भाई, ये देखो दोस्तों ये एक उंगली के बराबर गड्ढा पार दिया, गिर चुका है यहाँ पे गया। तो फिलहाल बहुत बड़ा गड्ढा है, तो हम भी चढ़ने के लिए हम भी चढ़ते हैं, चलो हम भी चढ़ते हैं। गीला गीला है, फिसला नहीं भाई, अरे गया। अब मैं कैसा भाई, पकड़ो चला जाओ का। तो दोस्तों गाय वहां पे रह चुके, वो आएगी नंतर, और बाकी की उस तरफ चली गई बहुत दूर। हाँ यार दिखाई भी नहीं अच्छे से हमने तो, ये साफ है यानी कि बहुत साफ, पूरा पूरा कांटा का होता है दोस्तों, कांटे का पूरा रहता है। तो क्या कहना चाहोगे? तो देखिए दोस्तों हम तो अभी फिलहाल घर पे ही जा रहे हैं, हमारा टाइम हो चुका है दोस्तों घर जाने का। तो देखो दोस्तों हमारी ये वीडियो छोटी सी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।